बात करें तो सबसे पहला नाम आता है गुरमीत एंड दिविना का। तो वैलेंटाइंस वीक है, वैलेंटाइंस डे है, तो इनके बगैर तो वो ऑब्वियसली अधूरी है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस डे। रोमांस की बात करें, परफेक्ट डेट की बात करें, तो क्या होगी आपके लिए और आपके लिए? रोमांस की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि हम लोग जहाँ भी साथ में रहे वो कोई स्पेशल, उसके लिए कोई स्पेशल डे नहीं चाहिए, वैलेंटाइंस डे नहीं। हमारे लिए वैलेंटाइंस डे हर दिन होता है, हर रोज़ होता है, तो हम जब भी साथ में रहते हैं तो हम उतना ही रोमांटिक होते हैं। एंड ऑन द ओकेशन ऑफ अ वैलेंटाइंस डे, अ चॉपर राइड ऑन मुंबई। और हम लोगों ने आसमान में केक भी काटी, gave me flowers, so it was really amazing. छोटी सी कोशिश थी लेकिन दिल से की भी जो भी चीजें होती हैं वो हमेशा सामने वालों को अच्छा लगता है। मैं बॉम्बे में आया हुआ था और तब इतने पैसे भी नहीं होते थे। देबिना को हार्ट शेप जो बैलून है वो बहुत पसंद थे और मैंने कुछ
100-150 बैलून खरीदे। मुझे याद है कि इतना डिफिकल्ट था वो 150 गुब्बारों को फुलाना, और लेकिन प्यार था, और वो आधे एक घंटे में मैंने खत्म किया। लेकिन मुझे याद है कि मेरे मुंह में इतना दर्द हो रहा था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, वो गुब्बारे से हवा निकल जा रही थी। जब धीरे धीरे गुब्बारा फुला रहा हूँ मैं, कभी हवा नहीं निकलने दे रहा हूँ। नहीं, मुझे एक वैलेंटाइंस डे याद है जब गुरमीत ने मुझे गुलाब दिया था, एक सिंगल गुलाब, तो उसने उसमें गुलाब जल छिड़का के लेकर आया था। जब मैंने गुलाब लिया तो मुझे लगा यार खुशबू तो है नहीं, ऐसे कैसे हो सकता कि, और पहली बार किसी को गुलाब दे रहा था यार। तो मैंने देखा उसके बगल में एक दुकान थी जहाँ पे गुलाब जल दिख रहा था, तो मैंने गुलाब जल डाला, खुद अपने पे भी डाला गुलाब जल, और पहुँच गया देबिना के पास। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाएगी तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखें, अगर आपको रिलेशन हमेशा अच्छा रखना है और आगे बढ़ाना है, अपनी वाइफ का, अपनी गर्लफ्रेंड का आप हर बातों में हाँ मिलाएं, चाहे वो आपको अच्छी लगे ना लगे।